हेलो दोस्तों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक प्लानिंग। देखिए, ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर हमको प्लान कैसे क्रिएट करना है हम उसके बारे में समझते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर 30 बाय 50 का एक प्लॉट है, उस प्लॉट की प्लानिंग कैसे करना है वो चीज़ मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लानिंग करने से पहले सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप यूनिट को सेट कर लें। मैंने यहाँ पर यूनिट को सेट करने के लिए टाइप करा है UN। मैंने UN इंटर करा। जब मैं UN एंटर करूंगा तो एक ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में मैंने यूनिट ऑलरेडी सेट कर रखी। देखिए, इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन को सेट करना है। फर्स्ट यहाँ पर आपको ये डेसिमल रहता है, इसको इंजीनियरिंग करना है, प्रिसीजन को फिट एंड इंच करना है, और ये वाला जो ऑप्शन आ गया इसके अंदर हमको फिट करना है। ये वाला ऑप्शन आपका हमेशा सबसे पहले सेट रहेगा। प्लान कोई सा भी प्लान अगर ऑटोकैड में कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑटोकैड 2023 में प्लानिंग सीख रहे हैं। 2023 के अंदर हमको किस तरीके से प्लान करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है प्लानिंग का, तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेट करा। इसको मैंने ओके करा, यहाँ पर पूछ रहा है एक ऑप्शन, ठीक है, इसको भी डन कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर एक बेसिक प्लान कर दिया, जब भी हमको यूज़ करना है। हम 2000 ऑटोकैड 2023 में प्लान कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर प्लानिंग में सबसे पहला यूनिट को सेट करा। यूनिट को सेट करने के बाद दूसरा ऑप्शन होता है डायमेंशन। डायमेंशन को सेट करने के लिए यहाँ पर डायमेंशन का सेटिंग होता है डी। मैंने यहाँ पर डी टाइप किया, देन इंटर किया। जब आप डी टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जिसको बोलते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर हमको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास ISO 25 यूनिट है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा है मॉडिफाई पे। जैसे ही मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा देन मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्राइमरी यूनिट। मैंने यहाँ पर क्लिक करा है प्राइमरी यूनिट पे। प्राइमरी यूनिट के अंदर यूनिट फॉर्मेट, इसको मेरे को इंजीनियरिंग करना है, प्रिसीजन मेरे को फिट एंड इंच करना है, ठीक है। अंदर ये जितना भी अगेन सेटिंग है ये आपको फर्दर वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास टैक्स। हमने टैक्स का कलर चेंज कर दिया है यहाँ पर, देन टैक्स की हाइट मैंने चेंज कर दी। सिम्बॉल, ये सिम्बॉल आ रहा है हमारे पास, तो एरो का सिम्बॉल रखा है। इसका साइज भी मैंने यहाँ पर सपोज 6 इंच रखा है, ठीक। इस प्रोफाइल को भी डन करा एंड देन ये ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डन कर दिया। तो ये मैं क्या चीज़ कर चुका हूँ, मैंने सबसे पहला प्लानिंग को स्टार्ट करने के पहले आपको दो चीज़ को सेट करना है, एक डायमेंशन को सेट करना है और एक यूनिट को सेट करना है। अब मेरे पास जो प्लॉट है, हमारा प्लॉट है 30 बाय 60, तो मैंने लाइन कमांड यूज़ करा। मैं लाइन कमांड का यूज़ करके प्लॉट बना रहा हूँ। मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैंने साइज़ दे दिया 30, ठीक है। ये देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दें, ये 30 फिट लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप 30 लिख के एंटर कर देंगे, फिट का सिंबल नहीं लगाएंगे, तो वो उसको इंच पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया, ये 30 फिट हो गया। देन ऊपर की तरफ करा, इसको मैंने साइज़ दिया है 50। देखो, मैंने फिट का सिंबल लगाया नहीं, ये मैंने फिट का सिंबल लगाया नहीं, तो वो 50 इंचेस पड़ता उसको। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 50 फिट, ठीक है। मैंने 50 फिट दे रहा, कर्सर को एंटर कर दिया, देन इस तरफ क्लिक करा, 30 एंटर, लास्ट में मैंने सी इंटर कर दिया। तो ये एक बेसिक मैं प्लॉट बना चुका हूँ। मैं इसको मेज़र कर लूँगा, लीनियर कमांड यूज़ करा मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेज़रमेंट अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 50, ये मैंने मेज़र कर लिया। देन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेज़रमेंट चेक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 30, ठीक है। तो ये मेरा 30 बाय 50 का सबसे पहला एक बेसिक मैंने यहाँ पर प्लॉट बना दिया। अब प्लॉट तो आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, प्लॉट को बनाने के बाद इसकी प्लानिंग करना है, तो इसमें हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा वॉल। ये हमारे पास जो भी ऑप्शन है इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, वॉल को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वॉल हम कैसे डिज़ाइन करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सेटिंग है वो कर रहा हूँ, मेरी डिज़ाइन के कुछ ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेरे कर्सर का जो साइज़ है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो वो सेटिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। तो वो सेटिंग भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन करने में आसानी हो। देखिए, मैंने यहाँ पर चेंज करा, अभी मेरे को वॉल बनाना है तो मैंने ऑफसेट कमांड यूज़ करा। ऑफसेट का शॉर्टकट होता है ओ। यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने 4 इंच का ऑफसेट लिया, इंटर करा। इस वॉल का अंदर की तरफ, देखिए ये अंदर की तरफ है क्योंकि बाहर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट ले लिया चारों तरफ से। अभी हम जो एक्सटीरियर वॉल बनाते हैं वो हमारी होती है 4 इंच की बजाय 8 इंच की, लेकिन अभी हम 4 इंच की वॉल बना रहे हैं, फिर हम इसका जब वर्किंग बनाएंगे तो 8 इंच करेंगे। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मुझे रखना है कार पोच, ठीक है। ये वाला एरिया में मैं कार पोच रखूँगा, बाद में मैं कुछ साइज़ को मॉडिफाई भी कर लूँगा, जैसी मेरी डिज़ाइन बनेगी उसके अकॉर्डिंग मैं सारे ऑप्शन करूँगा। तो मैंने ऑफसेट लिया, सपोज 12 फिट का मैं कार पोच ले रहा हूँ, और अगेन ऑफसेट लिया 15 फिट का, ठीक है। देन मेजर कर लेते हैं इसको,
चेक करने के लिए या गया पंद्रह को, ठीक है। तो ये हम मेजर कर सकते हैं, हम देख लेंगे कि हमने जो ऑफसेट लिया है एंड देन अगेन ऑफसेट ले लिया चार चार इंच का, दोनों तरफ चार इंच का ऑफसेट लिया, चार इंच का लाइन बनी थी, उस लाइन को मैंने ट्रिक दिया ट्रिक, इधर से भी मैंने ट्रिक, दोनों तरफ से लाइन को मैंने ट्रिक कर दिया। तो ये मेरा एक बेसिक यहाँ पर ऑप्शन बन गया है बारह बार, ये मैंने कार पोच बना दिया, ठीक है। कार पोच के बाद यहाँ पर मैं एक और ऑफसेट ले रहा हूँ पाँच फिट का, ये लॉन्च छोड़ रहा हूँ मैं पाँच फिट का, ठीक है। जब डिज़ाइन बनाएंगे अगेन ऑफसेट लिया चार इंच का, ये चार इंच का ऑफसेट ले जाना, इसको मैंने ट्रेन कर दिया, ठीक है। ये डायमेंशन मैं मेज़र कर लेता हूँ कि ये डायमेंशन मेरे पास कितना बचता, तो ये डायमेंशन आ रहा मेरे पास सत्रह फिट का, ओके। सत्रह फिट में फिर से मैंने एक और ऑफसेट लिया पाँच फिट का, ये मैं लाइक अ फायर जोड़ होता है वो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अगेन एक और ऑफसेट ले लिया चार इंच का, ठीक, ये चार इंच का यहाँ पर से मेरा एंट्रेंस दे दूंगा मैं, और ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है ये रहेगा मेरा ड्राइंग रूम, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करा है ये मेरा ड्राइंग रूम रहेगा, और ये वाला जो शेप रहेगा यहाँ से मेरी एंट्री रहेगी हॉल में एंट्री, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया लाइन को, ठीक है। ये मेरा हॉल में एंट्री करने के लिए ऑप्शन रहेगा, एंड देन फिर से मैंने ऑफसेट कमांड यूज़ करा, लगभग 15 फीट का मैं एक और ऑफसेट लेना हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड करा है ताकि यहाँ पर मैं 4 इंच का फिर से ऑफसेट ले चलूँ, लेकिन 4 इंच का फिर से ऑफसेट ले लें। देखिए साइज आप बिल्कुल मेज़र करते हुए चले, क्योंकि हमें उससे क्या होगा आगे का प्लान क्या करना है वो पता चलता है, ठीक है, कि आगे हमको क्या प्लान करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितना रहा 18 फीट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक डक्ट भी छोड़ना है और प्लस लेड बार भी देना है, तो मैंने ऑफसेट लिया 5 फीट का, ठीक है, ये 5 फीट का ऑफसेट, और ऑफसेट लिया मैंने 4 इंच का। अब ये जो जगह बच रही है ये मेरा एक बेसिक रूम होगा, क्योंकि मेरे जो बेडरूम वगैरह बनाना है 13 फीट 4 इंच का मेरा बेडरूम बनना है, ठीक है। और फिर से मैंने ऑफसेट लिया 15 फीट का ये वाली वॉल से इस तरफ, और अगेन ऑफसेट लिया 4 इंच का, ये 8 इंच इनको डिलीट कर दी, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। जो अननेसेसरी जो लाइन बन रही है हमारी इनको भी हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया है, ये वाला शो 13x15 हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से बन गया है, 14x ठीक है, 14x13 का हमारा ये किचन हो रहा है, और ये किचन के बाद ये जो बनता है ये हमारा लाइक एक बेडरूम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये पूरा हॉल रखा है, ठीक है, क्योंकि पार्टी की रिक्वायरमेंट है उनको सिर्फ 1 BHK चाहिए, ग्राउंड फ्लोर जो चाहिए वो 1 BHK होना चाहिए, देन फिर इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर वगैरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी अभी जो हमारा प्लान रहेगा वो सिंपल सा 1 BHK रहेगा। ये हम इसको ट्रिम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टेयर केस आएंगे, ये जो बना हुआ है ना ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पर हमने स्टेयर बनाएंगे, ये फॉयर होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम में जाने की एंट्री होगी, और ये जो बना हुआ है ये पूरा लॉन है, अब गार्डन हुआ एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर से एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर हमारे स्टेयर बन जाएंगे, एक एंट्री तो हमारी मेन एंट्री यहाँ से होगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेयर बनेंगे, स्टेयर के साथ में डबल हाइटेड रूफ होगी हमारी, और ये पीछे की तरफ हमारे पास 2 बेडरूम बन रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये 5 फीट है मेरे पास अभी फिलहाल, पीछे के साइड जो है 5 फीट है, तो इसका ऑफसेट ले लेंगे हम 10 फीट का, क्योंकि हम यहाँ पर एक टॉयलेट बना रहे हैं 5x10 का, अगेन ऑफसेट ले लिया 4 इंच का, इंटर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ट्रेन भी कर दिया। तो ये मेरा एक बेसिक टॉयलेट बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 5x10 का मैंने यहाँ पर टॉयलेट बना दिया। देन फिर ये वाली जो जगह बचेगी ऑफसेट ले लेंगे हम 5 फिट का, देन इसको थोड़ा सा और मूव कर देते हैं 3 फिट, चलिए 8 फिट हो गया है, और अभी हम चाहेंगे तो इसको और चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो होगा ये होगा हमारा डक्ट, ये पूरा हमारा डक्ट होगा, डक्ट मतलब कि वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर हम जो भी वेंटिलेशन देना हमको प्रॉपर वेंटिलेशन उसके लिए हम यहाँ पर डक्ट छोड़ेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक अभी हमने लेआउट बना लिया है,
ओके देखिए, यहाँ तक हमने प्लान बना लिया है, अब इसके आगे हम थोड़ा सा और चेंजेस कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो एरिया है उसको मैंने कर दिया है लगभग 2 फीट 8 इंच इधर, ये 8 इंच रखा है, और ये वाला जो एरिया है मेरा इसको भी मैं अप्रॉक्स 10 है 5 फीट और कर देता हूँ, मतलब 15 फीट ही मैंने एग्जैक्ट कर दिया उसको। मैं अभी छोटा बड़ा भी करूँगा डिज़ाइन को जिस हिसाब से मुझको बनाना होगा, तो देन ये वाला सेक्शन अभी हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर वाला सेक्शन हमारा बना है यहाँ पर। अब देन हम इसके बाद एक चीज़ ये चाह रहे हैं कि ये जो बेडरूम है हमारा, ये हमारा डक्ट हो गया 5 फीट का, 5 फीट का डक्ट हो जाएगा, इसके अंदर वेंटिलेशन मिल जाएगा, तो ये जो साइज़ है हमारा उसको हम इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है 12 इंच, 1 फीट मैंने इसकी वैल्यू दे दी है, इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया, तो ये मेरा 6 फीट का हो जाएगा और इधर मेरा 12 फीट का हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो टॉयलेट चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 6 फीट बाय 15 फीट, इसके अंदर मैं ड्रेस भी बनाऊंगा, ड्रेस के साथ में मैं टॉयलेट भी बनाऊंगा, ये 12 बाय 15 का मेरा इस तरीके से यहाँ पर बेडरूम हो जाएगा, और ये मेरा एक किचन हो गया, ये मेरा लिविंग एरिया होगा, यहाँ पर मैंने इसको लिविंग बनाया है, और यहीं से मैं स्टेयर कमांड भी यूज़ करूँगा। अब स्टेयर के लिए मुझे क्या करना है, मैंने ऑफसेट लिया 3 फीट 6 इंच का, 3.5 फीट का ऑफसेट इधर, 3.5 फीट का ऑफसेट इधर, और 3.5 फीट का ऑफसेट इधर, ठीक है। मैं 3.5 फीट का डोर बनाऊंगा, मतलब कि जो मेरा स्टेयर रहेगा वो मेरा 3.5 फीट की वेट का रहेगा, मैंने 3.5 फीट वेट ले लिया है यहाँ पर स्टेयर का, राइजर और ट्रेड जो मेरा 7-10 का रहेगा, ऑफसेट लिया मैंने 10 इंच का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 इंच का मैंने इसको भी मैं ट्रेन कर देता हूँ, यहाँ पर का एक पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया था। ये कितनी जगह बच रही है इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 इंच की जगह बच रही है, तो हम 3-3 इंच दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं, इसको 3 इंच इधर मूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेप थोड़े से हमने बड़े कर दिए हैं, और फिर से हम ऑफसेट दे देते हैं 10 इंच का, 1 2 3 3 डबल इंटर लाइन्स को ट्रिम कर दिया हमने, कंटिन्यू ट्रिम हो गई, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेयर केस को डिज़ाइन करा है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हम स्टेयर इस शेप में भी दे सकते थे, इधर लिविंग एरिया बना सकते थे, दोनों तरफ हमारा स्टेयर वाला पोजीशन है, तो हमारा जो स्टेयर रहेगा वो इस तरफ रहेगा, मैंने इस तरफ बना दिया इसको, बट मैं मिरर कर रहा हूँ इसको स्टेयर को, इस तरफ बनाने से फायदा ये रहेगा कि यहाँ पर जो रहेगा मेरा, ये मेरा किचन का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर मेरा डाइनिंग एरिया हो जाएगा, ये डाइनिंग रूम ले लूँगा मैं, मैंने यहाँ पर स्टेयर कमांड को यूज़ करा है, देन मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे डिज़ाइन बनाएंगे हम, जिस तरीके के हमारे पास व्यूज आ रहे हैं उसमें हम कलर सेट कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने स्टेयर के अंदर कलर सेट कर दिया। अब स्टार्टिंग वाले फेस पर आ रहा हूँ मैं, ये मैंने 4 इंच का लॉन छोड़ा है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला शेप मेरा ट्रिम हो गया, और ये मेरा लाइक ए फायर का शेप जो होता है ना, उस तरीके से व्यू बनेगा। देन ये मैंने जो एरिया दिया है 12 बाय 15, ये मैंने एक पार्किंग का एरिया दिया है, 12 फिट बाय 15 फिट का मैंने वेट रखा है, यहाँ पर मेरा जो भी डिज़ाइन होगा, गाड़ी होगा, वो पार्क हो जाएगा, बट ये वाला जो सेक्शन रहेगा यहाँ पर मुझे स्टेप डिज़ाइन करना पड़ेगा, स्टेयर डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैंने इस फेस को भी यहाँ से ट्रिम कर दिया है पूरे ऑप्शन को, एक लाइन कमांड यूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, कलर मैंने मैजेंटा कर दिया इसका भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिज़ाइन बना रहा है उसका ऑफसेट ही लेंगे हम, तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट लिया 10 इंच का,
लगभग तीन स्टेप मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर क्रिएट कर दी, तीन स्टेप मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके लिए है मेरे पास ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से स्टेयर चढ़ना पड़ेगा हमको यहाँ पर ऊपर आने के लिए, तो ये हमारे इस तरीके के स्टेप डिज़ाइन होंगे। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर, ये जो हमारे स्टेयर बन रहे हैं ये कुछ इस तरीके से भी रहेंगे। ये लाइन इससे ज्वाइन करना है और देन ये वाली लाइन इससे ज्वाइन होगी, ये वाली लाइन यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारे स्टेयर बन रहे हैं यहाँ पर। मैजेंटा कलर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट कर दिया है जो मेरे को स्टेयर को डिज़ाइन करना है। यहाँ से इंट्रेंस पे हम यहाँ पर चढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लोर ये वाला रहेगा, देन फिर सेकंड वाला लेवल रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर से ये तीन स्टेप दे रखी हमने, इन तीन स्टेप का यूज़ करके हमारी ड्राइंग बनेगी। जो भी डिज़ाइन हमको बनाना है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा एंट्रेंस हो गया। यहाँ पर हमारा एक डोर लगेगा, एक डोर इधर लगेगा, यहाँ पर दो डोर लगेंगे। पहले हम डोर का डिज़ाइन फाइनल करते हैं। जैसे 3 फिट का डोर यहाँ ड्राइंग रूम में लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ठीक है, स्पेस यहाँ पर हमारे 2.5 फिट के दो डोर लगेंगे। डोर कमांड के लिए हमने एक रेक्टेंगल कमांड यूज़ करा, डायमेंशन दिया 2 इंच बाय 3 फीट। आर कमांड, सेंटर कमांड, यहाँ से स्टार्ट करा, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटर करा यहाँ पर हमने। देखिए यहाँ पर एक आर्क बना दिया हमने, सेंटर पॉइंट आर्क, ये हमारा एक डोर हो गया। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा एक कलरफुल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जब डिज़ाइन आप बनाते हो तो डिज़ाइन के अंदर आपका जो भी डिज़ाइन है वो एक कलर फॉर्मेट में होना चाहिए। कलर बुक में से देख लेता हूँ मैं कोई सा, या फिर मैं सियान कलर यूज कर लेता हूँ। देन कॉपी कमांड यूज करा मैंने। अब इसमें एक काम करो, आप जब भी डोर बना लो तो इनको ऐसा मिरर करके रख लो, क्योंकि कौन सी जगह पे कौन सा डोर लगेगा, जैसे ये वाला डोर है इस फेस पे फिट हो जाएगा, ये वाले फेस पे यहाँ फिट हो गया। अब इधर जो डोर लगेगा वो रोटेट कंडीशन में लगेगा, तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं इस फेस में। देन ये डोर हमारा यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। ठीक, एक बार डायमेंशन मेजर कर लीजिएगा कि जो हमारा स्पेस है वो 3 फिट का ही रहेगा डोर का। ठीक है, लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है तो टी आर डबल इंटर, ये मैंने लाइन को ट्रिम कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन थी मेरे डोर को बनाने की, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर डोर बना दिया। अब एक डोर और बनाना है मुझे,
जो 2.5 फिट का बना रहा हूँ तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चेंज आर्क कमांड यूज करा, सेंटर पॉइंट आर्क किया, फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी पॉइंट गलत क्लिक हो गया है, इंटर सी इंटर, देन फर्स्ट सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट, ये हो गया हमारा आर्क वाला ऑप्शन। और इसका कलर भी हम सियान कर देते हैं, ठीक है। देन मिरर कमांड यूज कर लिया हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये जो डोर लगा रहे हैं हम, ये हमारा मेन डोर है, 5 फिट का डोर ले लिया मैंने यहाँ पर, इस जगह पे लगा दिया इसको। मैंने सारी लाइंस वगैरह जितनी भी थी हमारी सभी को ट्रिम कर दिया, क्योंकि ये हमारा मेन डोर हो जाएगा। ओके, अब ये जो किचन वाला जो एरिया है, इसमें हम लगभग 5 फिट का ओपन एरिया ही रखेंगे। तो ये इसलिए ले रहा हूँ मैं, तो मैंने इसका ऑफसेट ले लिया 5 फिट का TR डबल इंटर फॉर द ट्रिम, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल कमांड यूज कर लिया, एंड देन एक छोटा सा लाइक एक रेक्टेंगल डिजाइन करेंगे, बिकॉज दिस रेक्टेंगल शो द डोर, ये हमारा किचन का डोर यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमने डिजाइन में किचन का डोर यहाँ पर सेट कर दिया, ये स्टोर रूम हो गया हमारा, ये हमारा ओपन स्काई के लिए यूज करेंगे हम, इसमें OTS बोलेंगे इसको हम, ये ओपन स्काई के लिए हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये हमारा किचन का डोर हो गया। अब ये जो एरिया आ रहा है इसको लगभग मैं 6 फिट कर दिया, 4 फिट और मूव कर दिया इसको, और ये मैंने स्टोर रूम रखा है, तो स्टोर रूम का जो दरवाज़ा रहेगा वो भी मेरा 3 फिट के ही रख लेता हूँ मैं। स्टोर रूम में हम सारी चीज़ें जो भी हमारी ग्रॉसरी के लिए यूज़ होती हैं वो सब स्टोर करेंगे यहाँ पर, TR डबल इंटर, इसको ही मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अभी फिलहाल मुझे बहुत सारी चीज़ों को ट्रिम करना है, बट वो सब चीज़ों को मैं बाद में ट्रिम करूँगा। मैंने ऑफसेट लिया है 2 फिट का किचन के प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। मैं 24 इंच ले रहा हूँ फिलहाल अभी, बाकी जब मैं इसको और पूरा कंप्लीट सेट करूँगा मैं इसका साइज चेंज करूँगा। ये मैंने सभी पार्ट को ट्रिम करा है, किचन का प्लेटफॉर्म यहां तक बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां तक किचन का प्लेटफॉर्म लिया है, इसको भी हम एक कलर में चेंज कर देंगे, सपोज उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म हो गया हमारा किचन का। देखिए हम यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म तक हमने डिजाइन बना लिया था, अब इसके आगे का डिजाइन हमको यहाँ पर करना है, यहाँ तक हमने डिजाइन करा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डायमेंशन ऐड करेंगे, तो हर चीज का डायमेंशन, ये हमने पूरा प्लान बना लिया है हमारा, बेसिक प्लान किस तरीके से बनता है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इस प्लान को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर टैक्स अप्लाई करूँगा, जो भी टैक्स मुझे देना है यहाँ पर ड्राइंग को बनाने के लिए, वो जो टैक्स हमको डिफाइन करना होगा। तो मैंने सबसे पहले प्लान को कॉपी कर लिया, देन टैक्स कमांड यूज़ करना है, टैक्स का शॉर्टकट होता है टी इंटर करा, टैक्स कमांड यहाँ पर एक्टिव हुआ हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करा टैक्स का, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करा, देन 2 पॉइंट डिफाइन करें, हमने मल्टी टैक्स कमांड यूज़ करा है, हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होने लग जाएगा, एंड देन ये मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर हमारा टैक्स टाइप होने लग जाएगा। टैक्स का कलर मैंने रखा है यहाँ पर रेड, बोल्ड कर दिया टैक्स को, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप कर देख रहा हूँ, बाद में मैं उसका साइज हो सकता है थोड़ा छोटा करूँ या थोड़ा सा बड़ा करूँ, जैसे 2 फिट है तो मैं इसको अभी यार 1 फिट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैंने टैक्स को टाइप करा, तो ये जो है पोर्च है, पोर्च लिखना है मेरे को 12 फिट 0 इंच क्रॉस 15 फिट 0 इंच, कंट्रोल ए, देन सेंटर लाइन,
ठीक है, ये मेरा सबसे पहला बेसिक एक कोर्स हो गया। देखिए मैंने आपको बोला था कि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसका, तो मैंने वापस से डबल क्लिक करा, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करा और ये 6 इंच साइज दे दिया। ठीक है, 6 इंच का साइज दिया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने इस टेक्स्ट को। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पोर्च को ही सब दूर साइड कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, मैं सब जगह पे एडिट करूँगा। ये ड्राइंग रूम, तो इसको भी मैं एडिट करता हूँ। आप एक टैक्स को ही बार बार यूज कर सकते हैं, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज कितना है, 11 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 8 इंच। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ये सेट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम सेट कर दिया है कमांड को यूज़ करने के लिए, डिलीट कर दिया। ये मेरा पूरा हॉल है, ठीक है, तो इसको ये वाला डिलीट करना है। स्टेयर से तो यहीं पर आएगा। हॉल का साइज इस फेस से इस फेस तक है हमारे पास 25 फीट 10 इंच, और यहाँ तक हमारे पास साइज आ रहा है, गलत जगह क्लिक हो गया, ये साइज मेरे पास बैठ रहा है 15 फीट। तो इसको मैं एडिट करता हूँ वापस, लिविंग एरिया लिखेंगे इसमें, ठीक है, लिविंग एरिया। लिविंग एरिया हमारा 25 फीट 10 इंच 25 10 इंच, और इधर है 15 फीट। ओके, ठीक है, ये हमारा बेडरूम है, 15 बाय 12 4, इसको भी डबल क्लिक करा मैंने, ये मैंने बेडरूम सेट कर दिया 15 बाय 12 4, 15 फीट बाय 12 फीट 4 इंच। ठीक है, ऐसे हमको सभी जगह का डायमेंशन सेट करना होगा। ये हमारा किचन है, तो किचन लिख दिया, किचन लिख दिया मैंने 14 बाय 13 4, 14 बाय 13 4। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर डन कर दिया, प्रोफाइल सेट कर। देन ये दो सेक्शन है, ये स्टोर रूम होगा मेरा, इसका साइज आ रहा 5 फीट, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, कंट्रोल ए, लगभग इसको 4.5 इंच मैंने सेट करा है, इसको 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 0 इंच, ये मेरा स्टोर एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये डक्ट है यहाँ पर। देन ये जो साइज है उसी साइज का ये वाला एरिया होगा। अभी टॉयलेट बना हुआ है हमारा, तो इसके अंदर हम दो चीज़ बनाएंगे, एक टॉयलेट भी बनाएंगे और टॉयलेट के साथ में हमारा ड्रेसिंग टेबल भी रहेगा, डाइनिंग वाला है, ड्रेसिंग एरिया का ये भी रहेगा यहाँ पर सेक्शन। तो मैंने ऑफसेट लिया सबसे पहले 5 फीट का इस लाइन का इधर, ठीक है, इसको ट्रिम करा, दिया डबल इंटर, देन ट्रिम दिस पोजिशन। ठीक है, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है, और ये 5 फीट नहीं रहेगा, इसका साइज मैं बड़ा रखूँगा। ऑफसेट लिया 4 इंच का, लाइक ये 4 इंच का मेरा वॉल रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये रहेगी यहाँ पर कि ये जो साइज़ है, ये साइज़ मेरा 5 फीट है, बट 5 फीट नहीं रखना मेरे को इसको, इसको मुझे बड़ा करना है। इसको मैंने लगभग 6 फीट का करके देखा है, यहाँ से अगर मैं 6 फीट कर रहा हूँ तो ये मेरा 8 फीट 8 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बाय 8 का मेरा टॉयलेट सफिशेंट रहेगा, और ये 6 बाय 6 का मेरे पास 6 फीट 8 इंच का हो गया, और 6 बाय 6 का मैंने ड्रेसिंग एरिया दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें मेरे पास डिज़ाइन के अंदर आ गई हैं, ये हो गया मेरा टॉयलेट। टॉयलेट का साइज कितना है, डायमेंशन स्क्रीन साइड में है 8 फीट 8 इंच और 6 फीट 6 इंच, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से 8 फीट 8 इंच
तो इधर है 6 फीट, ठीक है, ये अपना ये हो गया। देन ये हो गया हमारा ड्रेस, तो ड्रेस का साइज भी हम रख देंगे। ड्रेस एरिया 6 फीट बाय 6 फीट का ड्रेस एरिया रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर एक डोर लगेगा मेरे पास, कॉपी करा मैंने यहाँ से इस पॉइंट को, देन प्लेस दिस पॉइंट। अब सेट लिया 3 फीट का, देन फ्रेम दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये एंट्री यहाँ से हो जाएगी ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। और ये ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा, ये टॉयलेट हो जाएंगे, ये डक्ट हो जाएगा, इधर स्टोर रूम हो गया, यहाँ पर बेडरूम हो गया हमारे डिज़ाइन को बनाने के लिए। और बेडरूम के साथ में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा एज अ लिविंग रूम हम यूज़ कर सकते हैं, कि ये लिविंग रूम के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये लिविंग रूम हो गया, यहाँ पर से पोर्च हो जाएगा हमारा गाड़ी का एंट्रेंस वगैरह रखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पूरे सेक्शन को अरेंज कर लिया है, तो ये हमारा पूरा सेटिंग हुआ है अभी हाल फिलहाल। अब इसके अंदर डोर विंडो हम सारे लगा चुके हैं, लाइन को हमको ट्रिम करना है, जितनी भी इंटरमीडिएट लाइन है, सारी लाइन को मुझे डिलीट करना होगा। जो भी लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रही है उन सभी को डिलीट कर दीजिएगा। जितनी भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उन सभी लाइन को यहाँ पर डिलीट कर रही हैं। पूरे प्लॉट के अंदर ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी लाइन होती हैं जो कि एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। उसको आप फ्लैट कमांड यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पर क्या करते हैं फ्लैट कर देते हैं उन लाइन्स को, तो फ्लैट भी यूज कर सकते हैं हम। ऑलमोस्ट हम सारी लाइन को ट्रिम कर चुके हैं, एक लाइन को। ये रेड कलर का जो डोर, ये हमारे किचन का डोर होगा, यहाँ से हम किचन के लिए डोर बना रहे हैं। देन इधर की मैं सारी ऑलमोस्ट सभी लाइन को डिलीट कर चुका हूँ। ये पोर्च हो गया, पोर्च में हमारे गाड़ी एंट्रेंस हो जाएगा, यहाँ पर से ये लिविंग, यहाँ पर एक स्मॉल डोर लगेगा, यहाँ पर एक बड़ा डोर लगेगा जो कि गाड़ी के एंट्रेंस के लिए रहेगा। दोनों डोर्स को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जिसे हम डिज़ाइन बनाएंगे वैसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ तक हमने प्लान को डिस्कस करा है, हमारा प्लान यहाँ तक बन चुका है। अब इसके अंदर हमको फर्नीचर ऐड करना है, जैसे तो मैं यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिविंग रूम को अपॉइंट करा, यहाँ पर मुझे टीवी रखना है, तो मैंने टीवी डिज़ाइन करा था पहले से मेरा, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है एंड देन प्लेस कर दिया लोकेशन आपको प्लेस। मैंने तो इसको यहाँ पर पूरा वॉर्ड्रॉप्स है, ये पूरा फर्नीचर से पैक होगा टीवी। देन बेड को अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने बेड यहाँ से ये ब्लॉक्स प्रॉपर्टी में मिल जाएंगे आपको, बेड को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। बेड का मेरा ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, इसको हम यहाँ पर ये पेस में हमारे ऐड कर देंगे, अंदर की तरफ से ऐड कर देंगे। ये जो मेरा साइज़ इसको रख दिया था आपको, बेड के दोनों साइड में मुझे पोजीशन मिल गई है, ठीक है, जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं
डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। देन फिर यहाँ पर भी टीवी सेट करना पड़ेगा, जो टीवी यूनिट दिया मैंने कॉपी करना यूज करा दिस पोजिशन। यहाँ पर हमको वॉटरॉप भी ऐड करना, तो वॉटरॉप हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, दोनों पैसे से हमारे इस स्पेस पे हमारा जो वॉटरॉप वाला जो सेक्शन रहेगा वो ऐड करेंगे। ये मेरा वॉटरॉप है, ये वॉटरॉप का मेरा सिंबल है, इसको यहाँ पर से ऐड करेंगे ये प्लान में। अब इसको भी रोटेट कर लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप हर चीज़ को रोटेट कर सकते हैं और जिस स्पेस में हमको डिज़ाइन रखना है। बर्नर का मेरा वो बर्नर को सिलेक्ट करा है और ये वाली जो पोजिशन रखी है मेरे पास ये बर्नर की पोजिशन है। एंड यहाँ पर मैं वॉश बेसिन रखूँगा, ये मेरे पास वॉश बेसिन भी है, इस वॉश बेसिन को भी मैंने यहाँ से प्लेस करा। एंड देन ड्राई दिस पॉइंट यहाँ पर आप ले जाकर रखना, बिल्कुल हमारा बेसिन हो जाएगा। ये जो सेक्शन है ये हमारा ओ टी एस रखा है हमने, इसको हम वॉश एरिया की तरह भी यूज़ करेंगे। स्टोर एरिया बनाने के बाद वॉश का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब वहीं पर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये पूरा वॉश का एरिया है, तो वॉश एरिया में जाने का एंट्रेंस भी देना है मेरे को, सपोज यहाँ पर दो इंच का एंट्री दिया है इसका। देन ये जो लाइन है मेरी इसको मैंने डिलीट कर दिया, पूरा ओपन स्पेस ही रखेंगे मतलब वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। इसको मैंने यहाँ से ठीक ये वाला एरिया भी हो गया, ये सफिशियंट स्पेस मिलेगा हमको यहाँ पर। देन यहाँ से स्टेयर होंगे, अब ये जो एरिया है यहाँ पर भी हमारा सीटिंग वाला सेक्शन रहेगा, बट हम इसी सीटिंग को वहाँ पर लेकर जाना है, इसको हम थोड़ा स्मॉल कर देंगे। देखिए हम यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म तक हमने डिज़ाइन बना लिया था, अब इसके आगे का डिज़ाइन हमको यहाँ पर करना है, यहाँ तक हमने डिज़ाइन करा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डायमेंशन ऐड करेंगे, तो हर चीज़ का डायमेंशन हमने पूरा प्लान बना लिया है, हमारा बेसिक प्लान इस तरीके से बनता है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इस प्लान को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर टैक्स अप्लाई करूँगा, जो भी टैक्स मुझे देना है यहाँ पर ड्राइंग को बनाने के लिए, वो जो टैक्स हमको डिफाइन करना होगा। मैंने सबसे पहले प्लान कॉपी कर लिया, टैक्स कमांड यूज़ करना है, टैक्स का शॉर्ट होता है टी, प्लेस कर सकते टी इंटर करा, हम टैक्स कमांड यहाँ पर एक्टिव हुआ हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करा टैक्स का, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करा, देन दो पॉइंट डिफाइन करें, हमने मल्टी टैक्स कमांड यूज़ करा है, हमारा कर्सर यहाँ पर क्लिक होने लग जाएगा। एंड देन ये मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर हमारा टैक्स टाइप होने लग जाएगा, टैक्स का कलर मैंने रखा है यहाँ पर रेड, बोल्ड कर दिया टैक्स को, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप कर देख रहा हूँ, बाद में मैं उसका साइज हो सकता है थोड़ा छोटा करूँ या थोड़ा सा बड़ा करूँ, जैसे 2 फीट है तो मैं इसको अभी यार 1 फीट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैंने टैक्स को टाइप करा, तो ये जो है पोर्च है, पोर्च लिखना है मेरे को 12 फीट 0 इंच, दोनों चीज़ों को क्रॉस रखें 15 फीट 0 इंच, 5 फीट का लॉन्ग लाइन सेंटर लाइन, तो ये ठीक है। ये मेरा सबसे पहला बेसिक एक पोर्च हो गया। देखिए मैंने आपको बोला था कि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसका, तो मैंने वापस से डबल क्लिक करा, कंट्रोल ए करा और ये 6 इंच साइज़ दे दिया, सिक्स इंच का साइज़ दिया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा गेट रहेगा यहाँ पर, कॉपी कर लिया मैंने इस टेक्स्ट को। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पोर्च को ही सब दूर साइड कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, मैं सब जगह पे एडिट करूँगा। ये ड्राइंग रूम ग्रीनरी भी ऐड करेंगे, इसको भी मैं एडिट करता हूँ डिज़ाइन। आप एक टेक्स्ट को ही बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो सपोज को ग्रीनरी में ले लेता हूँ, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का साइज़ कितना है 11 8,
11 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 8 इंच, 9 फीट 8 इंच, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको ग्रीन व्हील को ऐड करेंगे, सेट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम सेट कर दिया है कमांड को यूज़ करने के लिए, डिलीट कर दिया। ये मेरा पूरा हॉल है, ठीक है। तो इसको ये वाला डिलीट करना दें, स्टेयर से तो यहीं पर आएगा। हॉल का साइज इस फेस से इस फेस तक है हमारे पास 25 फीट, ये थोड़ा सा 25 फीट 10 इंच, और यहाँ तक हमारे पास साइज आ रहा है। ये वाला फेस से नहीं है, असाइन कर दिया। ये साइज मेरे पास है, जो साइज बन रहा है इस तरीके से डिफाइन कर, मैं एडिट कर रहा हूँ वापस, डिफाइन करता है। ये वॉशरूम्स हैं, लिविंग एरिया देखेंगे इसमें, ड्रेसिंग टेबल बना देते हैं, लिविंग सिर्फ लिविंग एरिया, लिविंग एरिया हमारा 25 फीट 10 इंच बाई 9 इंच, और इधर है 15 फीट फ्लोर कर देते हैं, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। ये हमारा बेडरूम है, हमारा टॉयलेट 15 बाय 12 चार, इसमें भी डबल फ्लिक कराना है, शावर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बेडरूम की ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 15 बाय 12 चार को ऐड करने के लिए हमारे को डायरेक्शन पर डिपेंड करता है वो, तो अभी फिलहाल मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ। ऐसे हमको सभी जगह का डायमेंशन ऐड करना होगा, ये हमारा किचन है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, इंडियन के स्पिंडल के अकॉर्डिंग, तो वास्तु के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, किस फेस किचन लिख दिया है वो फेस डिफाइन करना होता है। लोग फिलहाल में अभी इसको एक बेसिक किचन लिख दिया है, 14 बाय 13 चार, ये एंट्रेंस हो गया, 14 बाय 13 हो गया, ये आपका बाथरूम होगा, ये वॉश एरिया, ठीक है। वॉश एरिया डक्ट भी रहेगा, देन ओपन स्पेस, ये दो सेक्शन है, ये स्टोर रूम होगा मेरा, ये जो यूज़ किया आपने, इसका साइज आ रहा है 5 फीट, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, कंट्रोल ए, इसको 4.5 इंच साइड मैंने सेट करा है, सॉरी 7 फीट 8 इंच, यहाँ से एंट्रेंस होगी, ये हमारा स्टेयर है, सॉरी तो बाय 5 फीट अब सेक्शन जो रहेगा हमारा, ये मेरा स्टोर एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये डक्ट है यहाँ पर, देन ये जो साइज है उसी साइज का ये वाला एरिया होगा। अभी टॉयलेट बना हुआ है हमारा, तो इसके अंदर हम दो चीज़ बनाएंगे, एक टॉयलेट भी बनाएंगे और टॉयलेट के साथ में हमारा ड्रेसिंग टेबल भी रहेगा, डाइनिंग वाला है, ड्रेसिंग एरिया का ये भी रहेगा यहाँ पर सेक्शन। तो मैंने ऑफसेट लिया सबसे पहले 5 फीट का इस लाइन का इधर, ठीक है। इसको ट्रिम करा TR पोजीशन, ठीक है। इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है, और ये 5 फीट नहीं रहेगा, इसका साइज में बड़ा जरूरत नहीं है। सबसे क्लियर 4 इंच का मैंने एल साइज लगाया, 4 इंच का मेरा वॉल रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये रहेगी यहाँ पर कि ये जो साइज़ है, ये साइज़ मेरा 5 फीट है, बट 5 फीट नहीं रखना है, इसको मुझे बड़ा करना है। इसको मैंने लगभग 6 फीट का करके देखा है यहाँ से, यहाँ से अगर मैं 6 फीट कर रहा हूँ तो ये मेरा 8 फीट 8 इंच रहेगा। अब 6 बाय 8 का मेरा टॉयलेट सफिशिएंट रहेगा, 6 बाय 6 का मेरे पास 6 फीट 8 इंच हो गया, 6 बाय 6 का मैंने ड्रेसिंग एरिया दे दिया है यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर दो चीज़ें मेरे पास डिज़ाइन के अंदर आ गई हैं, तो यहाँ से हमारा ये एंट्रेंस है, ये हमारा टॉयलेट है, जब हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ से एंट्री करेंगे तो हमारे स्टेप बना, टॉयलेट का साइज कितना है, जो सेक्शन होगा ड्राइंग सेक्शन होगा, ये लिविंग एरिया होगा, लिविंग के बाद किचन है, किचन के बाद डायमेंशन मिल जाएगा, किचन के लिए टेबल मिल जाएगा, 6 फीट 6 इंच डक्ट है, ये एक अपना ओपन डक रहेगा जिसमें ओपन डक से 8 फीट 8 इंच एज अ वॉश एरिया, 6 फीट, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट करने के बाद हम अपना PDF फाइल होगा, ये हमारा ड्रेस, और ड्रेस का साइज भी हम कर देंगे,